चंपाई सुरेन से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। चंपाई सुरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। रांची में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में चंपाई सुरेन बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। सोमवार को चंपाई सुरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। सूत्रों के अनुसार शाह से मिलने के पहले चंपाई सुरेन और हेमंत बिस्वा शर्मा की अलग से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद दोनों अमित शाह से मिलने गए थे। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर है कि 28 अगस्त को चंपाई सुरेन रांची पहुंच सकते हैं। 28 अगस्त को ही जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता और मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं। उसके बाद 30 अगस्त को औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो अब तस्वीर चंपाई सुरेन को लेकर के साफ हो चुकी है। 28 अगस्त को तारीख जब झारखंड पहुंच करके प्राथमिक सदस्यता से जेएमएम की इस्तीफा, मंत्रिमंडल से इस्तीफा। अमितेश सिंह हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमितेश, जो सियासी सस्पेंस था उस पर से पर्दा उठ चुका है, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम रणनीति तय की गई है? जी हाँ बिल्कुल, चंपाई सोरेन को लेकर के लगातार ये चर्चा चल रही थी। जैसा उन्होंने एक हफ्ते पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी और बाद में इस बात की जानकारी भी दी थी कि उनके सामने तीन विकल्प हैं। तीनों विकल्पों में उनके सामने पहला विकल्प था राजनीति से संन्यास लेना, उसके बाद उन्होंने जो दूसरा राजनीतिक संगठन बनाने की बात कही थी, और तीसरा विकल्प था किसी के साथ जुड़ना, यानी बीजेपी के साथ जुड़ने का इशारा उन्होंने किया था। अंत में तीसरे विकल्प पर ही बात बनी है। और हेमंत बिस्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड में बीजेपी की तरफ से चुनाव सह प्रभारी बनाए गए हैं, उनकी तरफ से लगातार चर्चा चल रही थी और अंत में बात इस पर बनी है कि चंपाई सोरेन बीजेपी में सीधे शामिल होंगे। और बीजेपी चाहती है कि चंपाई सोरेन के बहाने हेमंत सोरेन को एक बड़ा झटका दिया जाए, और बीजेपी की यही कोशिश है कि चंपाई सोरेन जिन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटा करके जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन खुद कमान संभाल चुके हैं, तो चंपाई सोरेन को अपने पाले में लाया जाए। कोल्हान एरिया में बीजेपी इसका फायदा उठाना चाहती है और पूरे झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मैसेज देना चाहती है कि बड़ा आदिवासी चेहरा जो है हमारे साथ है और हेमंत सोरेन से अलग हट करके इधर आ रहे हैं। इसका जिक्र सुदेश महतो ने भी कल किया जब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। चंपाई सोरेन के मिलने से पहले उन्होंने भी कहा था कि जब हमारे मंच पर आकर के अपनी बात रखेंगे चंपाई सोरेन, जो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी बात रखी है, तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा, ज्यादा अपील होगी। तो जी और हेमंत बिस्व शर्मा का क्या कुछ कहना है ट्वीट के जरिए वो भी आप देख लीजिए। हेमंत बिस्व शर्मा ने लिखा है कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है, वो 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होंगे। तो पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को लेकर के उन्होंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। अमितेश हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं। अमितेश, ये बताइए कि अब तो एक आदिवासी वोट बैंक पूरे तौर से बीजेपी का समर्थन कर रहा है, ऐसे में आने वाले विधानसभा के चुनाव में कितना असर जेएमएम पर पड़ सकता है? देखिए, जेएमएम के लिए देखा जाए तो बड़ा झटका होगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और काफी पुराने नेता रहे हैं। शिबू सोरेन के समय से देखा जाए तो उनके साथ रहे, फिर हेमंत सोरेन सरकार में लगातार शामिल रहे, और हेमंत सोरेन जब जेल गए तो उन्होंने चंपाई सोरेन को ही सबसे वरिष्ठ नेता होने के चलते उनको ही मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद जिस तरह से उन्हें हटा करके फिर से हेमंत बिल्कुल अमितेश आपके पास वापस आएंगे। दिवाकर तिवारी जी, ब्यूरो चीफ हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दिवाकर तिवारी जी, अब तस्वीर चंपाई सोरेन को लेकर के साफ हो चुकी है, लेकिन अब विधानसभा चुनाव के स्वरूपों की अगर बात करें तो किस तरीके से चुनाव मैदान में चंपाई सोरेन होंगे, इसको लेकर के क्या अब रणनीति या फिर जो तस्वीर है वो सामने आ रही है? क्या कोई गठबंधन होगा? जिस तरीके से अलग पार्टी बनाने की बात हो रही थी उस पर अब शायद विराम लग चुका है, तो क्या स्वरूप होगा और किस तरीके से चुनावी मैदान में बीजेपी और चंपाई सोरेन एक साथ उतरेंगे? देखिए, चंपाई सोरेन जब बीजेपी में शामिल होंगे तो कोशिश होगी बीजेपी की कोल्हान की जो 14 सीटें हैं विधानसभा की, उसको टारगेट किया जाए, और कोल्हान के एक बड़े लीडर के तौर पे चंपाई सोरेन की सियासत रही है, जेएमएम से लंबे समय तक जुड़े रहे, 7 बार उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा है जिसमें 6 बार उनको जीत मिली है, तो एक तरीके से चंपाई सोरेन का इस्तेमाल करना चाहेगी बीजेपी। और चंपाई सोरेन ने जिस तरीके से 14 विधानसभा सीटों पर अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं से मिलकर फिर उसके बाद बीजेपी में उन्होंने
शामिल होने का मन बनाया है और उन्होंने कल देर रात अमित शाह से मुलाकात के बाद जो है अब सारी चीजें साफ हो गई है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया है कि 30 तारीख को वो रांची में जो है बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी मुख्यालय जो रांची का है वहाँ एक भव्य समारोह होगा और अपने समर्थकों के साथ चंपई सोरेन शामिल होंगे। तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि बीजेपी ने अपने तर्कस में एक और तीर शामिल कर लिया है और इस तीर से जेएमएम के तीर को जो है टारगेट करेगी, यानी जेएमएम के तीर को भोथरा करने की कोशिश करेगी। और जो बीजेपी का ये हथियार है वो कितना कारगर होगा वो विधानसभा के चुनाव के नतीजे में एनालिसिस किया जाएगा। कुल्हान की ये जो 14 सीटें होंगी उस पर दबदबा किसका रहेगा? क्या बीजेपी अपने प्रत्याशी देगी या फिर चंपाई सोरेन ये गुनागणित कर रहे होंगे कि हमारे प्रत्याशी उतरेंगे, हमारे समर्थित प्रत्याशी उतरेंगे? देखिए, चंपई सोरेन आए हैं तो निसंदेह वो अपने समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि जो है वो उस पूरे इलाके में अपना प्रभाव छोड़ सके। और जो भी नेता किसी पार्टी में भी शामिल होता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो अपनी धमक बरकरार रखे। तो बीजेपी में शामिल हुए हैं तो अपने प्रभाव को बरकरार रखने के लिए चंपई सोरेन कोशिश करेंगे कि अपने समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलाएं और उनको जीता कर लाएं ताकि सरकार बने। दिवाकर जी, उसमें भी जी, दिवाकर जी ये बताइए कि कुछ दिन पहले ही जो पूर्व सीएम चंपई सोरेन के विधायक थे वो हेमंत सोरेन से मिले और उन्होंने कहा कि अब हम हेमंत सोरेन का समर्थन करेंगे, लेकिन अब जब चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो क्या वो विधायक सीएम पूर्व सीएम चंपई सोरेन के साथ हैं या फिर अभी भी हेमंत सोरेन के साथ ही रहेंगे? देखिए, चंपई सोरेन के समर्थकों ने दावा किया था कि आधे दर्जन विधायक जो है उनके साथ हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि अब धीरे धीरे तस्वीर साफ होती जा रही है तो क्या वे नाराज या असंतुष्ट विधायक जिसका दावा जो है समर्थक कर रहे थे चंपई सोरेन के, वो शामिल होते हैं? अगर वो शामिल होते हैं तो ये बड़ा सेटबैक होगा जेएमएम के लिए, बड़ा झटका होगा कि चंपई सोरेन तो गए और कुछ कुल्हान के विधायकों को लेकर गए। तो ऐसे में जेएमएम के नेता और जो विधायक हैं वो शामिल होते हैं तो बीजेपी के लिए ये एक जो है कहिए कि बीजेपी को और मजबूती मिलेगी कोल्हान में और कोल्हान क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सीटों को बीजेपी टारगेट कर पाएगी। दिवाकर, अगर जेएमएम की बात करें तो इस पूरी सियासी घटनाक्रम में जेएमएम बड़ा शांत सा नजर आया, बहुत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन ये भी एक देखा गया है संयोग मानिए या फिर कह सकते हैं कि एक वहां की एक स्थिति मानिए कि जो भी जेएमएम से अलग हुए वो बहुत कुछ सियासत में कर नहीं पाए। सीता सोरेन की बात करें, जेपी पटेल की बात करें, गीता कोड़ा की बात करें, तो क्या ऐसा लगता है कि जेएमएम से अलग होकर जो राह अपनाई है चंपाई सोरेन ने वो एक बड़ी चुनौती उनके लिए होगी क्योंकि एक संयोग ऐसा ही रहा है? जी बिल्कुल, अब तक जो है बीजेपी में जो भी जेएमएम के नेता आए वो कामयाब नहीं हो पाए, चाहे वो साइमन मरांडी हो, हेमलाल मुर्मू हो, सीता सोरेन हो या गीता कोड़ा हो। ये सभी जो है उदाहरण है, कभी साइमन मरांडी और हेमलाल मुर्मू भी आए थे, चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं पाए, और फिर हेमलाल मुर्मू की बात करें या साइमन मरांडी की बात करें तो वो वापस जेएमएम में गए और साइमन मरांडी के बेटे जो है जेएमएम के टिकट पे ही चुनाव जीते। हेमलाल मुर्मू अभी चुनाव जीत नहीं पाए हैं लेकिन वो जेएमएम में वापस चले गए की कोशिश है कि वो चुनाव लड़े। अब गीता कोड़ा और सीता सोरेन की बात है तो गीता कोड़ा और सीता सोरेन कितना जो है कामयाब हो पाई है वो अभी फिलहाल एक चुनावी नतीजे से आप आकलन नहीं कर सकते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या वो दोनों जो है बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ती हैं, लेकिन फिलहाल उनको नाकामी मिली है, बीजेपी पहुंचे वो नाकाम हुए हैं, चुनाव हार गए। तो ऐसे में चंपई सोरेन पर भी ये सारे जो है उदाहरणों के साथ जो है बातें होती रहेंगी कि चंपई सोरेन लगातार जो 6 बार जो है माफ कीजिएगा 7 बार उन्होंने जेएमएम के टिकट पे चुनाव लड़े और वो जो है लगातार 6 बार जीते, एक चुनाव जरूर वो हारे थे। तो चंपई सोरेन की जो ताकत है वो कुल्हान में सरायकेला सीट पे है तो सरायकेला सीट से अब लड़ते हैं। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि चंपई सोरेन जो है कभी भी बड़े मार्जिन से चुनाव नहीं जीतते रहे हैं, वो बीजेपी के उम्मीदवारों से छोटे मार्जिन पे चुनाव जीतते रहे हैं, कभी 800 वोट से उन्होंने जीता चुनाव, कभी 1000 वोट, कभी 3000 वोट। हाँ, 2019 के चुनाव में उन्होंने 15000 का एक बड़ा अंतर हासिल किया था, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि चंपई सोरेन
अपने ताकत और बिल्कुल दिवाकर जी, और ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में बीजेपी का क्या रुख होता है पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को लेकर। हमारे साथ अमितेश भी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अमितेश, ये जानना चाहूंगी कि बीजेपी ने मौका तो दे दिया है पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को, लेकिन उनकी भूमिका अब बीजेपी में क्या होगी? अमितेश, तो अमितेश से हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा, हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम चंपाई सोरेन अब पूर्ण रूप से बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और दिवाकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, यही सवाल आपसे भी रहेगा कि बीजेपी में अब वो शामिल तो हो गए हैं, आधिकारिक रूप से घोषणा भी कर दी गई है, लेकिन बीजेपी अब उन्हें किस तरीके से आगे लाएंगी? क्या झारखंड का चेहरा बनाकर कि वो बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को उतारेंगे? देखिए, चेहरा तो कोई चेहरा तो तय नहीं हुआ है बीजेपी में, और किसी चेहरे पे लगता नहीं है कि बीजेपी चुनाव लड़ेगी। बीजेपी सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसे में चंपाई सोरेन जरूर जो है कोल्हान का चेहरा हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे तो आप जो है ये बीजेपी ने भी संकेत नहीं दिए हैं कि उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे जो है चुनाव लड़ाया जाएगा जी। उन्हें कोल्हान के चेहरे के तौर पे जरूर चुनाव लड़ाया जाएगा, और उनको उसी हैसियत में बीजेपी ने शामिल कराया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि चंपाई सोरेन जो है कितना बीजेपी के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। चंपाई सोरेन पहुंचने वाले हैं 28 तारीख को। अमितेश हमारे से जुड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहूंगी कि 28 को चंपाई पहुंचने वाले हैं झारखंड, ऐसे में उनका कार्यक्रम क्या है, कोई बातचीत हुई है? अविनाश, देखिए, जो जानकारी आ रही है और जिस तरह से कल देर रात गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मीटिंग हुई, और उसके बाद जिस तरह से यहाँ के चुनाव के सह प्रभारी और असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने एक्स पर जो पोस्ट भी किया है, उससे स्पष्ट तौर पर ही अब सभी के सामने है कि 30 अगस्त को चंपाई सोरेन बीजेपी में आधिकारिक रूप से शामिल हो जाएंगे। और जो जानकारी आ रही है, जो हमारे सूत्र हैं उसके अनुसार, अभी इस वक्त चंपाई सोरेन दिल्ली में हैं और कल उनके वापस आने की सूचना आ रही है। अब ये देखना होगा, दो बातें हैं इससे पहले, अगर दो यात्राओं का अगर गौर करें दोनों ही यात्रा पर, तो चंपाई सोरेन रांची के बजाय कोलकाता के रास्ते दिल्ली गए थे, लेकिन जब वापसी होगी तो ये उम्मीद की जा रही है कि वो रांची आएंगे, क्योंकि यहाँ जब वो रांची आएंगे तो उनके समर्थकों के द्वारा, और खासकर अगर हम बीजेपी के भी अगर हम कार्यकर्ताओं की बात कर लें तो उनके द्वारा उनका जोरदार तरीके से स्वागत हो सकता है, और इसके बाद वो वापस अपने क्षेत्र जाएंगे, और 30 को एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसके साथ साथ एक और जानकारी आ रही है कि बहुत जल्द सितंबर के दूसरे सप्ताह में ये हो सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह कोल्हान की धरती पर आए और एक बड़ी रैली भी चंपाई सोरेन के द्वारा एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी किया जाएगा, जिसमें अमित शाह शामिल होंगे, और वहां से हम ये कह सकते हैं कि उस कोल्हान के क्षेत्र में एक चुनावी संघनाद भी बीजेपी के तरफ से या चंपाई सोरेन की तरफ से बात करें तो हो जाएगी। जी अविनाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए कि हमारे साथ दिवाकर तिवारी भी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया, और अमितेश का भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड की सियासत में चंपाई सोरेन की बगावत ने बवंडर मचा कर रख दिया है। 5 दशक तक जेएमएम की सियासत में सक्रिय रहे चंपाई सोरेन के ताजा रुख ने बीजेपी अब उनके इस रुख से खुश नजर आ रही है, तो वहीं जेएमएम में खलबली मची हुई है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की बगावत ने झारखंड में एक नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। जेएमएम के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे चंपाई सोरेन के बदले हुए सुर से प्रदेश के सत्ताधारी गठबंधन में खलबली सी मची हुई है। तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जेएमएम में हुई इस बड़ी टूट से बीजेपी की बाछें खिल गई हैं। चंपाई सोरेन जी का सामने उन्होंने खुद बोला है कि 3 रास्ता है, या तो संन्यास लूंगा, या तो अपना पार्टी बनाऊंगा, या तो कोई अच्छा साथी मिल जाए तो वो साथी का हाथ भी पकड़ लूंगा। चंपाई सोरेन 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे थे, तभी झारखंड राज्य आंदोलन से जुड़े। 1991 में पहली बार सरायकेला से निर्दलीय विधायक बने। 90 के दशक में कोल्हान टाइगर के रूप में पहचान बनाई। 2010 में बीजेपी जेएमएम की सरकार में वो पहली बार कैबिनेट मंत्री बने।
2013 में जेएमएम कांग्रेस सरकार में फिर से मंत्री बनाए गए। 2020 में बनी सरकार में भी मंत्री रहे। हेमंत सोरेन जेल गए तो 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 के बीच उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, पर 5 दशक के बाद अब उनका जेएमएम से मोह भंग हो चुका है। जो कुछ कर रहे हैं वो उनके लिए आत्मघाती कदम है। 40 साल से जो उन्होंने सम्मान कमाया वो किसी के बहकावे में आकर उस सम्मान को उन्होंने खुद गंवाने का काम किया है। आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के ओर से उनके खिलाफ कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। चंपाई सोरेन के बागी तेवर से झारखंड की सियासी हवा का रुख ही पूरी तरह से बदल गया है। बीजेपी इस मौके को लपकने की कोशिशों में जुटी हुई है तो जेएमएम ने डैमेज कंट्रोल में पूरा जोर लगा दिया है।